हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एंड हर बार की तरह इस बार भी इस चैनल पे आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और हम दोस्तों इस वीडियो का थंबनेल को देखकर ही पता चला होगा कि आज इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो दोस्तों आज मैं बता दूं कि इस वीडियो में आज DVM का लेइंग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए और देखिए स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस को मैं इस वीडियो में दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग इसमें कंप्रेसर के थ्रू जितना भी डस्ट है जॉइंट के उस डस्ट को हटाया, और उसके बाद जो हम लोग जॉइंट के पास जो हम लोग पंजे से वहाँ का मटेरियल को थोड़ा सा जॉइंट के पास से हटाए थे, उस इसलिए वहाँ पे वहाँ का बेड का कंप्रेक्शन लूज हो गया था, इसलिए हम लोग वहाँ पे रोलिंग के थ्रू जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे उसमें कंप्रेक्शन किया, और इससे क्या होता है जो हम लोग का बेड क्लीन हो जाता है। जो हम लोग जो मटेरियल निकाले थे तो हम लोग का बेड थोड़ा सा लूज हो गया था, उस लूज को हम लोग क्या करेंगे कंप्रेक्शन करेंगे जो कि आपको सामने दिखाई दे रहेंगे, जो रोलर के थ्रू हम लोग उसमें कंप्रेक्शन कर रहे हैं। और दोस्तों आपको फिर सामने दिखाई दे रहे हैं कि हम लोग का सारा प्रोसेस हो चुका है जो करने का था, लेकिन अब जो है यहाँ पे वुगली पेवर है जिसका स्किड विथ जो है उसको 7.5 मीटर का है, और यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे कि लोड आ चुके हैं, और इसमें लोड अनलोड होगा और फिर जैसे ही अनलोड होगा और हम लोग का जो है लेइंग स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों तो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, जो आप देखो धीरे धीरे लोड अनलोड हो रहा है, और फिर हम लोग का जो है पेवर आगे की तरफ मूव करेंगे और इस तरह से लेइंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले बता दूँ दोस्तों इस थिकनेस विथ सॉरी थिकनेस जो है इसका हम लोग का ऐसे 40 mm का 60 mm का चाहिए DVM का थिकनेस, जिसके लिए हम लोग लूज का कंप्रेक्शन भी रखते हैं जो कि 15% है। टोटल मिला के हम लोग का थिकनेस जो है 75 mm का है, और इसका जो रोड की चौड़ाई जो है यहाँ पे बस भी है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, इनकी 11.2 मीटर का है। तो दोस्तों आपको सामने दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लेइंग हो चुका है, और यहाँ पे जॉइंट भी अच्छी तरह से मिला रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे होंगे। अब दोस्तों वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से DVM का लेइंग करते हैं, इससे पहले भी हम लोग वीडियो डाले हैं, लेकिन पर क्या करें हर बार कुछ ना कुछ अलग चीज़ देखने को मिलता है, तो इस बार भी मैंने दिखाया है और इस तरह से वीडियो कंप्लीट होता है।